एक वीरान जंगल के दिल में, जहां दरख्त राजों की सरगोशी करते थे और हुआ आसमानी खूबसूरती से जगमगाती थी, वहां लोमीना नामी एक नन्ही परी रहती थी। इसके गोसामिर परों, मकड़ी के रेशम की तरह नाजुक, नरमी से फड़फड़ाते हुए इसे जादू के दायरे में ले जा रहे थे। सूरज ने अभी उफुक को चूमा था, जंगल पर सुनहरी चमक डाली थी। शबनम के कतरे घास के हर पते और ब्लेड पर छोटे जेवरात की तरह चमकते हैं, चमकती हुई रोशनी की जादुई टेपिस्ट्री बनाते हैं। लोमीना ने इस लम्हे में खुशी का इजहार किया, इसका दिल खुशी और हैरत से भर गया। जब वो अपने छोटे छत्ते के लिए अमृत इकट्ठा करते हुए एक फूल से दूसरे फूल की तरफ लपकी, लोमीना ने एक अजीब चीज देखी। मदद के लिए एक हल्की सी चीख उसके कानों तक पहुंची, सरगोशी की हुआ से इसके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ और वो आवाज को उसके मुंबा तक ले गई। वहां फर्नस के टुकड़ों के दरमियान टूटे हुए परों के साथ एक छोटा सा परिंदा बिछाया। इसके पैर अलिफाल जेई हुए थे और आंखों में दर्द की झलक थी। लोमीना का दिल शफकत से पिघल गया और वो जानती थी कि उसे मदद करनी है। नरमी के साथ लोमीना ने परिंदे को उठाया और उसे वापस अपने छत्ते में ले गई। अपने रेशमी धागे और बेहतरीन पत्तों का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने जख्मी बाजू को सहारा देने के लिए एक छोटा सा फेंका बनाया। जब वो काम कर रही थी, उसने एक नर्म धन बजाई जिसने परिंदे के खौफ को सुकून बख्शा। जैसे ही सूरज तुलू होने लगा, परिंदे के जख्म उसके दोबारा उड़ने के लिए काफी भर चुके थे। लोमीना ने फखर से देखा जैसे ये हुआ में बुलंद होता है, इसकी नई आजादी उसकी मेहरबानी का सबूत है। लेकिन लोमीना का एडवेंचर खत्म होने से बहुत दूर था। जब उसने जंगल में अपना सफर जारी रखा तो उसका सामना शरारतों के एक गिरोह से हुआ जो छप छुपाने का खेल खेल रहे थे। अपनी आंखों में चमक के साथ लोमीना ने अपने छोटे साइज और चुस्ती का इस्तेमाल करते हुए अपने मुखालफीन को पीछे छोड़ने का फैसला किया। लोमीना की चालाकी और चुस्ती से ग्नोमस हैरान रह गए। वो हंसे और खुशी का इजहार किया जब वो अंडरग्रोथ के जरिए रक्स करती थी, उन्हें अपने जागते में छोड़ती थी। जल्द ही तमाम ग्नोमस मिल गए और लोमीना को फाते करार दिया गया। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, लोमीना ने एक चमकती हुई आबशार की तरफ अपना रास्ता बनाया। पानी एक सरासर चट्टान के चेहरे को नीचे ले गया, जिससे कौस कज़ा और धुंध का दिलकश तमाशा बन गया। लोमीना उसकी खूबसूरती से मशहूर थी और करीब से देखने की मुजाहमत नहीं कर सकी। जब वो आबशार के करीब पहुंची तो उसने देखा कि एक छूटी सुनहरी चाबी जमीन पर पड़ी है। तजस्सुस इस पर गालिब आ गया और उसने इसे उठा लिया। जैसे ही इसने इसे अपने हाथ में फेरा तो उसे मालूम हुआ कि यह आबशार के अंदर छुपे खुफिया दरवाजे की चाबी है। जोश के इजाफे के साथ लोमीना ने चाबी दरवाजे में डाली और इसे धकेल कर खोल दिया। अंदर उसने चमकते क्रिस्टल और चमकते हुए जवाहरात से भरा हुआ एक छुपा हुआ चैम्बर दरियाफ्त किया। जब उसे अपनी दरियाफ्त की वसत का एहसास हुआ तो इस पर खौफ का एहसास छा गया। लोमीना ने कई घंटे खुफिया चैम्बर की खोज में गुजारे, उसके खजानों को देखकर हैरान रह गए। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, वो जानती थी कि इसके छत्ते में वापस आने का वक्त आ गया है। सुनहरी चाबी को बहिफाजत बाहर निकाल कर उसने आबशार को अलविदा किया और जंगल के रास्ते वापस चली गई। जैसे ही वो सितारों के आसमान से उड़ रही थी, लोमीना ने अपने गैर मामूली दिन की अक्कासी की। उसने जरूरतमंद परिंदे की मदद की थी, शरारती ग्नोमस को पीछे छोड़ दिया था और एक खुफिया खजाना दरियाफ्त किया था। ये हैरत, मेहरबानी और जंगल के जादू से भरा हुआ एक एडवेंचर था। और इस तरह लोमीना दी डव फेरी अपने छत्ते में वापस आ गई, इसका दिल शुक्रगुजार और इस दिन की याद से भर गया जिसे वो कभी नहीं भूलेगी।